इस वीडियो अपडेट में हम जानेंगे जयनगर भागलपुर स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल और रूट के बारे में। रेलवे ने इस ट्रेन से जुड़ी एक बड़ी अपडेट दी है, जिसमें बताया गया कि यह ट्रेन कितने बजे खुलेगी, कौन से रेलवे स्टेशन होकर चलेगी और इसका कौन से रेलवे स्टेशन पर ठहराव रहेगा। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। से पहले चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। रेलवे की ओर से एक नई ट्रेन का संचालन शुरू होने जा रहा है। मालदा डिवीजन के अंतर्गत यह ट्रेन चलेगी और यह भागलपुर टू जयनगर और जयनगर टू भागलपुर दोनों ही दिशाओं में इसका परिचालन किया जाएगा। यह ट्रेन 25 जनवरी से शुरू होने जा रही है, ऐसे में आम यात्रियों को सीधा फायदा होने वाला है। यह इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन भागलपुर से जयनगर के बीच चलेगी, जिसका ट्रेन नंबर दे दिया गया है 0553। वहीं दूसरी दिशा में यह ट्रेन 05554 के साथ शुरू होगी। और इस ट्रेन के शेड्यूल पर नजर अगर डालें तो यह ट्रेन जयनगर से भागलपुर के बीच यह ट्रेन 12 स्टेशन से होते हुए गुजरेगी। 12 बड़े रेलवे स्टेशन पर इसका ठहराव दिया गया है। मधुबनी, सकरी जंक्शन, दरभंगा जंक्शन, समस्तीपुर, बरौनी, बेगूसराय, साहेबपुर कमाल, मुंगेर, रतनपुर, बरियारपुर, सुल्तानगंज, नाथनगर होते हुए यह ट्रेन आखिर में भागलपुर पहुंचेगी। जयनगर से भागलपुर स्पेशल ट्रेन का भी शेड्यूल दूसरी दिशा में भी जारी किया गया है। इस ट्रेन के भागलपुर पहुंचने का समय जयनगर से भागलपुर चलने वाली ट्रेन का सुबह 5 बजे दिया गया है। 5:15 पर यह ट्रेन भागलपुर पहुंचेगी जयनगर से खुलने के बाद। वहीं भागलपुर से यह ट्रेन सुबह 7:50 पर खुलेगी और यह ट्रेन जयनगर 4:05 पर पहुंचेगी। इस ट्रेन के चलने से रोजाना इन जिला में आने जाने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। मुंगेर से उस पार जाने वाले यात्रियों को तो लाभ मिलेगा ही, इसके साथ ही मुंगेर से दरभंगा, बेगूसराय, साहेबपुर कमाल, संकरी, मधुबनी जैसे रेलवे स्टेशन भी जाना आसान हो जाएगा। पहले इस रूट पर ऐसी कोई भी लंबी दूरी की ट्रेन नहीं चला करती थी जो सीधे भागलपुर से दरभंगा, मधुबनी जाए, ऐसे में आम यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। इस वीडियो को आगे शेयर करें जिससे आम यात्रियों को भी पता चले कि इस ट्रेन का क्या रहेगा टाइमिंग और सबसे बड़ी बात यह ट्रेन का रूट क्या रहेगा।